नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमुआ कोवाड़ रोड गिरिडीह जाने वाला मुख्य मार्ग थाना गेट के निकट सड़क काफी जर्जर हो गया है। हालांकि बारिश के मौसम में भी सड़क तालाब बन गया था करीब 500 मीटर तक। कई शिकायत के बाद बारिश के समय में गिट्टी डस्ट गिरा के कुछ मरम्मत किया गया था। हालांकि अब बारिश का मौसम खत्म हो जाने के बाद मुख्य मार्ग होने के कारण वाहनों का काफी आना जाना लगा रहता है, जिससे डस्ट उड़ रही है। स्थानीय व्यवसाय दुकानदारों ने पीडब्ल्यूडी कनीय अभियंता से कई बार बात करने की कोशिश की, हालांकि एक नहीं सुने। स्थानीय दुकानदार अमित यादव ने कहा कि यह एक जमुआ गिरिडीह का मुख्य मार्ग है। बरसात के मौसम में काफी जल जमाव हो जाने से काफी राहगीरों को परेशानी हुई। अब घटिया किस्म का डस्ट गिरा दिया गया है। हम सभी दुकानदारों को डस्ट से काफी परेशानियां बढ़ गई है। यह डस्ट से कई तरह की बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कनीय अभियंता से बात करने पर एक नहीं सुन रहे हैं। वही स्थानीय व्यवसाय राहुल कुमार ने कहा, हम सभी दुकानदार सुबह दुकान ओपन करते दिन भर लगातार सब सफाई करते ही रहना पड़ता है। वाहन आगमन से डस्ट काफी उड़ रहा है। हम सभी का शाम तक दुकान डस्ट से पूरा धूमिल हो जाता है। हम इस डस्ट से बीमारी के शिकार हो सकते हैं। कोई जनप्रतिनिधि इसकी सुध लेने वाला नहीं है। हम सभी व्यवसायियों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर पीडब्ल्यूडी के कनीय अभियंता से रोड की मरम्मत करने की मांग किए हैं। जमुआ द्वार पहरी वाला रोड है ये, हम लोग दुकान यहाँ पे है। बहुत ही हालत खराब हो चुका है इस रोड का और बहुत ज्यादा यहाँ डस्ट उड़ता है। न कोई देख सुन कर रहा है। रोड में बरसात आता है, बरसात में पूरा भर जाता है और उसके बाद पानी सूखता है, धूप से पूरा गंदा उड़ने लगता है। पूरा दुकान एकदम पूरे क्षतिग्रस्त हो जाता है। पूरा झाड़ना पोटना और कोई ना देखभाल करना। पीडब्ल्यूडी वाला आता है तो देखता ना, कुछ भी नहीं करता। पूरा रोड का हालत ही खराब हो चुका है। इसमें जल्द से जल्द नया रोड बनाया जाए या कुछ मरम्मत किया जाए, तभी कुछ हालत यहाँ सुधर सकता है या पानी का व्यवस्था किया जाए। इस रोड में हम लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये बरसात था तब से रोड हम लोग पानी का दिक्कत हम लोग झेले। अब जो सो बरसात खत्म हुआ उसके बाद जो हम लोग धूल डस्ट का जो सामना कर रहे हैं और आज दिन प्रतिदिन रोड का भी स्थिति खराब हो जाए। जब तक रोड नहीं बने तब तक हम लोग चाहते हैं कि कम से कम पानी का भी व्यवस्था रोड में गिराने का काम करें ताकि हम लोगों को सहायता मिले। वी टाइम न्यूज़ के लिए जमुआ से शिव कुमार की रिपोर्ट।